हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रियंका नाम की एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट में पूछा है, सर जी बाइक पर बैलेंस करने का कुछ ट्रिक बताएं, यानी वीडियो बनाए, ये मतलब है। तो हम वीडियो बना के उसको अपलोड करूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। तो उन्होंने पूछा है बाइक का बैलेंस कैसे करना है, इसके बारे में ट्रिक बनाए। तो दोस्तों, आप लोगों को बताने के लिए खुशी हो रही है कि बाइक का बैलेंस कैसे रखना, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं, है ना। फिर से एक बार मैं थोड़ा सा चेंजेस करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो वीडियो को चालू करते हैं। तो दोस्तों, बाइक का बैलेंस यानी मतलब क्या आता है, कोई भी चीज जैसे हम लोग कॉइन होता है, एक रुपया, दो रुपया, दस रुपया, डॉलर वगैरह जो कॉइन होता है, अगर हम लोग जमीन के ऊपर अगर फेंक देते हैं चरका के हिसाब से, या कोई भी चाक अगर फेंकते हैं, तो उस समय हो गया सीधा अगर जाता है तो बैलेंस नहीं जाता है। लेकिन अगर जिस तरफ टर्न होएगा, जो भी कॉइन है, कोई भी व्हील, अगर इस तरफ अगर टर्न होएगा तो इस तरफ वो जाएगा और गिरेगा, है नहीं, मतलब इसे जाएगा और गिरेगा। इस तरफ अगर झुकेगा, अगर हम लोग ने कॉइन को छोड़ दिया, अगर इस तरफ झुकेगा तो कॉइन कैसे ऐसे जाके गिरेगा, ये मतलब है। यानी कहने का मतलब क्या, जो टर्न लेता है, जहाँ पर झुकता है उस तरफ हमेशा कॉइन जाएगा या व्हील जाएगा। तो ये तरीका बाइक का है। बाइक का अगर आपका टर्न जिस तरफ जाएगा उस तरफ बाइक जाएगी। काउंटर स्टेयरिंग की मैं बात नहीं था, उसमें अलग से स्किल होते हैं, काउंटर स्टेयरिंग वो अलग बात है, उसका वीडियो अलग से है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन बाइक अगर आप जो जगह पर घुमाओगे तो उस तरफ बाइक चली जाएगी, ये मतलब है। इस तरफ घुमाएगी राइट बाजू में तो उस तरफ बाइक जाएगी, यानी ये मतलब है, जिस तरफ बाइक झुकेगी उस तरफ बाइक चली जाएगी, ये मतलब है। यानी बैलेंस करने के लिए आपको सीधा रखना पड़ेगा, सीधा। अगर आपको टर्न करना है तो बाइक को थोड़ा झुकना पड़ेगा, तभी बाइक ये बाजू आएगी, ये मतलब है, जैसे कॉइन का इस्तेमाल करो। अगर आपको राइट में टर्न करना है तो आपको बाइक को थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, तभी वो ऑटोमेटिकली इधर आएगी। आपको हैंडल को धीरे धीरे घुमाने, ज्यादा स्पीड में नहीं घुमाना, ज्यादा स्पीड में घुमाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जो भी गाइड में फोर्स होता है ना, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स होता है, उसमें गड़बड़ हो जाएगा, बाइक का बैलेंस चला जाएगा, ये मतलब। तो बाइक का बैलेंस हमेशा, जैसे न्यूटन नाम का जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इन्वेंशन किया, एप्पल है वो नीचे गिरा, है ना, जाल के नीचे से वो इधर उधर नहीं चला गया। इसका मतलब ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, हम लोग को पता है। कोई भी चीज जमीन के ऊपर गिर जाए, जैसे हमारी बाइक जमीन के ऊपर ऑन द रोड है ना, ऑन द रोड यानी खींचे, जमीन ने खींचे बाइक को, ये मतलब है। हम लोग को क्या करना है, सिर्फ ऐसे ऐसे है उसको बैलेंस में रखना है, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ये मतलब। अगर ऐसे ऐसे बाइक कभी चली जाएगी तो अगर हम लोग, हमारा बॉडी है, हम लोग बैठे, अगर हम लोग ऐसा ऐसा झुकेंगे तो हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग बाइक के ऊपर बैठते हैं उस समय हमारा बॉडी कैसे सीधा होना चाहिए, है ना, सीधा सीधा होनी चाहिए, ऐसा झुकना नहीं चाहिए शुरुआती तौर में। एक बार आपको समझ में आए तो चलता है, लेकिन शुरुआत में बैलेंस सीखते समय आपको बॉडी को कैसे रखना पड़ेगा, सीधा रखने पर, ऐसा ऐसा झुकने का नहीं, ये मतलब। और जो हाथ है उसका एल्बो को बोला, अभी मैं राइडर हूँ, मैं लॉन्ग टूर पे जाता तो मेरा एल्बो ऐसे हिसाब से होता है, इस हिसाब से। लेकिन जो शुरुआती तौर में जो सीखते हैं उनको ऐसे रखना पड़ेगा, इसको याद रखना, नहीं तो एल्बो का सिचुएशन ऐसे होता है, मैं राइडिंग करता हूँ, मुझे काउंटर स्टेयरिंग करने को लगता है ना, इसके मतलब है। इसके लिए मुझे मेरा जो एल्बो अलग तरीके से मुझे रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन शुरुआती तौर पर आपको अगर बैलेंस सीखना है तो आपको क्या करने पड़े, सीधा रखना पड़ेगा, हैंडल को सीधा रखना पड़े और ये सीधा बॉडी को सीधा रखना है, झुकना नहीं चाहिए। और दोनों भी पड़े शुरुआत में आपको क्या सीखते सर, बिगिनर लोगों के लिए मैं बात करता हूँ, जो जिनको आता है उनके लिए, क्योंकि जो प्रियंका नाम की जो सप्ताह, उन्होंने जो पूछा है बाइक का बैलेंस कैसे करें। जब तक आप स्लो में बाइक नहीं चलाते और बाइक नहीं सीखते, तब तक आप लोग स्पीड में बाइक ना चलाएं, ये भी मतलब मैं रिकमेंड नहीं करना चाहता हूँ। आपको स्लो बाइक को चलाना है, एकदम कम स्पीड में, पहले गियर में सेकंड गियर ना डालें, दोनों पैर को बाहर निकाले, जमीन के ऊपर आराम से रखते रखते जाओ, जो पेडल होता है उसके ऊपर तुरंत पैर ना रखिए। जब तक आपको बैलेंस नहीं होता है, पेडल के ऊपर पैर रखना ही नहीं है, आपको जमीन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पैर रख के जाना है और सीधा ही जाना है, स्लो में जाना है, आपको आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस आ जाएगा। अगर साइकिल नहीं आती फिर भी चलेगी, बाइक आप आराम से चला सकते, बैलेंस आप आराम से कर सके, बाइक या स्कूटी एक्टिवा सभी में आप आराम से बैलेंस कर सके। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, अपना बॉडी को शुरुआत में, बिगिनर लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बॉडी को सीधा रखना है, झुकना नहीं,
लेकिन हैंडल को भी सीधा रखना है शुरुआत में। ऐसे आप चार पांच दिन प्रैक्टिस करो, चार पांच दिन टर्न करना है तो थोड़ा रुक रुक के पैर से फिर आ जाओ, बाद में वापस सीधा आ जाओ। डायरेक्ट चलाते चलाते टर्न ना करें शुरुआती तौर में, बिगिनर लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। शुरुआत में सीधा जाने की कोशिश करो, एकदम स्लो में जाने की कोशिश करो, स्पीड में ना जाए, है ना, ये मतलब। देखो चार पांच दिन प्रैक्टिस करो, ये सब से आप सीख जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बाद में आप आराम से बाइक चला सकते। सीधा बॉडी को रखना है, हैंडल को सीधा रखना है, पहले गियर में रखना है, पैरल के ऊपर पैर नहीं रखना है, जमीन के ऊपर आराम से, जमीन के ऊपर कस के पैर नहीं रखना है, आराम से रख रख के ऐसे जाना है, रखना है छोड़ना है, बैलेंस के लिए आप लोग को रखना है। जैसे एक एग्जांपल देना चाहते हैं, हम लोग जो रोड के ऊपर जो खिलौने वाला है, जो डोंबर हम लोग बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो वो उनका जो खेल होता है, जैसे कोई भी बाम्बू वगैरह लगा रख के जो अपना जो रस्सी वगैरह होती है उनमें से जो लेडीज वगैरह जाते हैं, जो भी कोई जाता है, बैलेंस करके चला जाता है। क्यों बैलेंस करना है? क्योंकि उनको मिडल में रखना है ना। ये भी हम लोग देखते हैं ना, गेम देखते हैं ना, जो रोड के ऊपर हम लोग देखते हैं ढोल वगैरह बजा के जो रस्सी को पल जो लड़कियां लेडीज वगैरह जाते हैं, बैलेंस में रखते, वही मतलब होता है। तो बाइक का बैलेंस हमें सीधा रखना है। शुरुआत में क्या होता है, साइकोलॉजी प्रॉब्लम होता है, हमारे दिमाग में डर बैठे रहता है, तो द्विविचार यानी दो विचार, हम लोग गिरेगे क्या या बाइक आएगी या नहीं आएगी, ये विचार इसको हटा देना। पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा हमें रखना है। बिंदास भाई, गिरा तो गिरा, एक दो बार गिरा तब तक बाइक नहीं आएगी, आपको गिरना ही पड़ेगा। बिंदास सीधा बैठो, स्लो में बाइक चलाओ, चलाने की कोशिश करो, मैं गारंटी देता हूँ आपको बाइक आ जाएगी। ये ट्रिक आजमा दो, तीन चार दिन सीधा जाओ, स्पीड में ना जाए, स्लो जाए, दोनों पैर बाहर निकाले जमीन के ऊपर के, आराम से जाइए, आपका पैर जमीन पे रखने के आना चाहिए, इतनी ऊंचाई पर आपकी बाइक होनी चाहिए, ये मत। अगर नहीं है तो आपको ज्यादा हील वाला, ज्यादा ऊंचा वाला सैंडल भी या जूता भी था, जो भी है वो आपको पहनना पड़ेगा। कुछ भी तरीके से आपका जो पैर है जमीन पे आना चाहिए, बिगिनर लोगों के लिए मैं बात कहना चाहता हूँ। स्लो में बाइक को चलाओ, पहले गियर में बाइक को चलाओ, आराम से जाने की कोशिश करो, पॉजिटिव थिंकिंग, आई कैन डू इट, ऐसे बात करना, मैं ये करूंगा, बात मुझे आएगी, बाइक आएगी, ऐसे सोचना है। निगेटिव नहीं सोचना, अगर निगेटिव सोचते आएगी बाइक, लेकिन 10 दिन लगेगा आपको। अगर तीन चार दिन में सीखना है, कोई कोई बोले एक दिन में बाइक नहीं, जो बिगिनर है जो साइकिल चलाने वाला सीख सकता है, लेकिन जिसको साइकिल है तो एक दिन में सीख ही नहीं सकता, ये बात है ना। तीन चार दिन तो आपको बैलेंस के लिए चला जाएगा, बाद में आप चला सकते हैं, तो ये मतलब होता है बैलेंस आसान होता है। जैसे मैंने अलग अलग प्रकार का एग्जांपल देने की कोशिश करे, बैलेंस फिर भी जाएगा तो आपको पैर रखना है ना, नीचे रखना है, आराम से ब्रेकिंग करना है, रुकना है, दूसरा कुछ डरने की बात है, आराम से जा। भोजन को मैंने सिखाया है, ये सब आप भी प्रैक्टिस करते तो सीख जाते। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने पहले अपलोड किया है बाइक का बैलेंस कैसे करना है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।